दोस्तों मेरा जो तरीका होगा वो सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही फाइनल हो चुका है, ये बिल्कुल ही टाइट हो गया। वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग। दोस्तों आज की वीडियो में आज आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखाने वाला हूं, आज मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूं, वो ये कि आप अपनी इस बाइक का, ये पल्सर का जो लोगो है, ये आप कैसे हमें अपनी बाइक मॉडिफाई करनी होती है या कुछ इस पर स्टिकर वगैरह का काम करना होता है, या अगर आपका ये लोगो ख़राब हो गया तो इसको रिमूव करना होता है। तो वैसे तो हम इसको नाखून से भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये लोगो बिल्कुल ठीक है और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से इसको रीइंस्टॉल इसी को कर दूँ, तो उसके लिए हमें इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रबर टाइप होता है, ये टूट भी जाता है। तो इसको कैसे हटाएंगे, कैसे रिमूव करेंगे, उसका मैं प्रोसेस आपको आज दिखाऊंगा, जिससे ये बिल्कुल सेफ और इजीली रिमूव हो जाए और हमारी दोबारा काम। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो दोस्तों इस लोगो को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है ये कैरोसिन ऑयल और एक धागा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसको अपने इस कैरोसिन ऑयल से इसको थोड़ा थोड़ा गीला कर लेंगे, इससे हमारा कोई पेंट वेंट से ख़राब नहीं होगा, ओके। और थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद दोस्तों अब हम इसे रिमूव कैसे करेंगे वो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं धागा है, इसको आराम से इस तरफ से ही लगाएंगे और धीरे धीरे इसको इस तरह से रब करेंगे, ओके। इसको जोर से खींचना भी नहीं है दोस्तों और ना ही ज़्यादा स्पीड में चलाना है। टूट जाए कोई बात नहीं, इस पर कैरोसिन ऑयल और डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब हम इसको नीचे से ही लगा लेते हैं इस तरह से और इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये रिमूव हो चुका है, ये देखें, ये बिल्कुल सही सलामत हमारा रिमूव हो गया है। अब इस पर जो ये रह गया है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, इस पर हमें वापस से कैरोसिन ऑयल डालना और इसको छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर। इसको हल्के हल्के हाथों से रेव हमें करना है और ये थोड़ा थोड़ा नाखून लगा के इसको छुड़ा लेना है। पेंट पे हमें नाखून नहीं मारना दोस्तों, ओके। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए इस तरह से इसका गम छूट के हमारे हाथों पे आ जाएगा, ओके। ये सारा इसका गम है, अगर हम इसको थोड़ी देर सूखने देते तो ये चिपकने लग जाएगा वापस से, ओके, देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको कपड़े से रब करके भी छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इससे हमारे पेंट पे किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ओके। और ये थोड़ा थोड़ा रह गया है, ये हम अपना बाद में इसको रिमूव कर सकते हैं, ओके। ये थोड़ा थोड़ा इस पर गम लगा हुआ रह गया है, ओके, और बाकी बिल्कुल ही क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसको, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ओके, ना हमारे पेंट पे किसी तरह का इफेक्ट आया ना कुछ आया, इजीली ये रिमूव हो गया, ओके।
फाइनली दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।